दोस्तों, आपने स्कूल में प्लैनेट्स यानी ग्रहों के बारे में जरूर ही पढ़ा होगा। सूर्य या किसी और तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, जहां जीवन पाने की संभावना बनी रहती है। कहा जाता है जैसे हमारे पृथ्वी पर जीवन है, वैसे ही कई और अन्य ग्रहों में जीवन पाने की आकांक्षा जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि अब तक दूसरे ग्रह पर जीवन को लेकर हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। दशकों की खोज के बाद भी इस मामले में हम अभी वही हैं जहां से चले थे। लेकिन इसे अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से एक हमारी मिल्की वे है, और हमारी आकाशगंगा में भी अरबों ग्रह हैं। ये संभव है कि पृथ्वी ऐसा अकेला ग्रह नहीं होगा जहां जीवन पनप सका है। हो सकता है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन हो, और शायद हमारे जैसा ही हो। हो सकता है कि किसी दिन हम एलियंस को खोज पाए, या फिर शायद वो हमें पहले खोज लें। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है, उतना है नहीं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह मौजूद हैं जिनको आज तक हमने देखा या सुना भी नहीं है। ब्रह्मांड के विशाल होने से जीवन युक्त ग्रह को खोजना बेहद ही कठिन काम हो जाता है। लेकिन जीवन पनपने की संभावना तब तक रहती है जब तक ग्रह का वातावरण ना ज्यादा ठंडा हो ना ही गर्म, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी। अनुमान ये लगाया जाता है कि हमारी गैलेक्सी में 500 बिलियन से भी ज्यादा ग्रह मौजूद हैं, और इन ग्रहों में से कुछ ग्रह अपनी सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब आप मान लीजिए, अगर इन 1000 ग्रहों में से अगर एक ग्रह को भी सूर्य से पृथ्वी जैसा वातावरण मिलता है, तो कम से कम 50 करोड़ ऐसे ग्रह होंगे जहां जीवन मौजूद हो। सूर्य और पृथ्वी की दूरी जितनी समान दूरी अगर एक ग्रह और उसके तारे में हो, और उस ग्रह में बराबर का वातावरण प्राप्त हो, तो इस प्रक्रिया को हैबिटेबल जोन कहा जाता है, यानी ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा रहने वाला वातावरण। अब हमारी गैलेक्सी की ही बात की जाए, तो हमारी गैलेक्सी में ऐसे कई ग्रह हैं जो जीवन का संकेत देते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हमें ऐसा कोई प्लैनेट मिल जाए जो मनुष्य के रहने लायक हो, तो ऐसे ग्रह में मनुष्य द्वारा नई जीवन की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन पृथ्वी जैसे एक परफेक्ट हैबिटेबल ग्रह को ढूंढना काफी मुश्किल टास्क है, क्योंकि ऐसे प्लैनेट्स को डायरेक्ट ढूंढना या टेलीस्कोप से खोजना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी एडवांस नहीं हुई है। अगर हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ दिया जाए, तो दूसरे सोलर सिस्टम हमको छोटे तारों जैसे नजर आते हैं, जिससे इनकी इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल है। अगर एग्जांपल दिया जाए तो एक्सोप्लैनेट हमारे सौर मंडल से परे कोई भी ग्रह है। ये एक्सोप्लैनेट अधिकांश अन्य सितारों की परिक्रमा करते हैं। ऐसे ही हमें हमारे सौर मंडल से दूर हमको एक तस्वीर मिली है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक फोटो का पिक्सेल है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ दूर के ग्रह खोजना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे साइंटिस्ट ने ऐसी पिक्चर के साथ भी इस प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम से जोड़कर काफी रिसर्च करके पेश किया है, और दुनिया को इन एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग बातें भी बताई हैं। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, आखिर हमारे वैज्ञानिक किस तरह धरती पर बैठे हुए सौर मंडल से कई प्रकाश दूर के इन एक्सोप्लैनेट्स को खोजकर निकालते हैं। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूले। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आपको बता दें कि जब भी वैज्ञानिकों को कोई एक्सोप्लैनेट खोजना होता है, तो वो तरह तरह के मेथड्स का यूज करते हैं, क्योंकि अधिकांश एक्सोप्लैनेट अप्रत्यक्ष तरीकों से पाए जाते हैं। साइंटिस्ट अपने स्पेस टेलीस्कोप को किसी एक तारे पर सेट करते हैं, और जैसे ही उस तारे से कोई ग्रह गुजरता है, तो तारे की रोशनी मंद हो जाती है, और वही ग्रह जब तारे से दूर जाता है, तो तारे की रोशनी तेज हो जाती है। ये डेटा टेलीस्कोप में रिकॉर्ड होता रहता है। इस मेथड को ट्रांजिंग मेथड कहा जाता है। स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रांजिट मेथड का यूज करके हजारों ग्रहों का पता लगाया है। इसके अलावा और भी कई मेथड्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग, जिसका दूसरा नाम है वोबल मेथड है, और रेडियो वेलोसिटी मेथड। माइक्रोलेंसिंग एकमात्र ऐसा मेथड है जो पृथ्वी से वास्तव में बड़ी दूरी पर ग्रहों की खोज करने में सक्षम है, और सबसे छोटे एक्सोप्लैनेट को खोजने में सक्षम है, जबकि रेडियल वेलोसिटी मेथड पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष तक के ग्रहों की तलाश करते समय प्रभावी है, और ट्रांजिट फोटोमेट्री सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों का पता लगा सकती है। माइक्रोलेंसिंग उन ग्रहों को ढूंढ सकती है जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, क्योंकि माइक्रोलेंसिंग घटनाएं अद्वितीय हैं, यानी रेयर हैं और दोहराने के अधीन नहीं है। इस विधि का उपयोग करके ये पता लगाया गया, कोई भी ग्रह फिर से देखने योग्य नहीं होगा। इसके अलावा जिन ग्रहों का पता लगाया जाता है, वे बहुत दूर होते हैं,
जो एक्सोप्लैनेट्स के जांच को लगभग असंभव बनाता है। लकीली माइक्रोलेंसिंग मेथड में फॉलो अप सर्वे यानी बार बार जांच की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें सिग्नल टू नॉइज रेशो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक्सोप्लैनेट को ढूंढना बेहद ही आसान हो जाता है। लेकिन जब एक साथ कई अन्य मेथड्स का यूज किया जाता है तो हम ग्रह की कल्पना किए बिना ही पूरे ग्रह प्रणालियों के महत्वपूर्ण आंकड़ों को जान सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम, जो कि 40 प्रकाश वर्ष दूर है, जहां 7 मोटे तौर पर पृथ्वी के आकार के ग्रह एक छोटे लाल तारे की परिक्रमा करते हैं। ट्रैपिस्ट 1 ग्रहों की जांच धरती से और स्पेस टेलीस्कोप से की गई है। अंतरिक्ष आधारित अध्ययनों से न केवल उनके व्यास का पता चला है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव इन 7 ग्रहों पर बड़ी ही बारीकी से एक दूसरे पर पड़ता है। इससे वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ग्रह के द्रव्यमान को निर्धारित कर लिया है। तो अब हम उनके द्रव्यमान और उनके व्यास को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनके तारे द्वारा विकिरणित ऊर्जा का कितना हिस्सा इन ग्रहों की सतहों पर पड़ता है, जिससे वैज्ञानिक उनके तापमान का अनुमान लगा सकते हैं। हम प्रकाश स्तर का उचित अनुमान भी लगा सकते हैं और आकाश के रंग का भी अनुमान लगा सकते हैं। और जबकि इन 7 ग्रहों के बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, जिसमें वायुमंडल या महासागर, बर्फ की चादरें या ग्लेशियर शामिल हैं। ये हमारे सौर मंडल के अलावा सबसे प्रसिद्ध सौर मंडल बन गया है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सितारों की एक मोटी धारा है, जो सबसे अंधेरी सबसे साफ तारों में आकाश में चमकती है। इसके स्पाइरल रूट में कम से कम 100 बिलियन तारे हैं, उनमें से हमारा सूर्य है। और अगर उन सितारों में से प्रत्येक में सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि हमारे जैसे उनकी एक पूरी प्रणाली है, तो आकाशगंगा में ग्रहों की संख्या वास्तव में खगोलीय है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक पहले से ही खरबों का अनुमान लगा चुके हैं। हम मनुष्य हजारों वर्षों से ऐसी संभावनाओं के बारे में अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन हमारी पहली पीढ़ी है जो निश्चितता के साथ जानती है कि एक्सोप्लैनेट वास्तव में वहाँ है। वास्तव में हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी तारा प्रोक्सिमा सेंटाउरी के पास कम से कम अपना एक ग्रह है, जो शायद एक चट्टानी किस्म का ग्रह है। ये ग्रह कम से कम 4 प्रकाश वर्ष दूर यानी 40 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक दूर है। अब तक पाए गए एक्सोप्लैनेट का बड़ा हिस्सा सैकड़ों या हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, जिनकी खोज अभी भी जारी है। लेकिन बुरी खबर ये है कि अभी तक हमारे पास उन तक पहुंचने का कोई सटीक तरीका नहीं है, इसलिए वहां तक पहुंचना और इंसानी छाप छोड़ना मुश्किल है। लेकिन अच्छी खबर ये भी है, हम उन पर नजर डाल सकते हैं, उनके तापमान का पता लगा सकते हैं, उनके वायुमंडल को अच्छे से जान सकते हैं, और शायद एक दिन जल्द ही जीवन के संकेतों का पता भी लगा सकते हैं, जो इन मंथ दूर की दुनिया से कैप्चर किए गए प्रकाश के पिक्सल में छिपे हैं। और क्या पता वहां के रहने वाले हमें पहले खोज ले। दोस्तों, अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी पर बैठकर दूसरे ग्रहों के बारे में कैसे जानते हैं और उनको खोज पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे और भी मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।